हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेशा। आज हम पढ़ेंगे क्लास वन के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, डिवीजन ऑफ नंबर्स, यानी कि हम नंबर्स को कैसे डिवाइड करें। तो चलिए बिना देरी के इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है साइन ऑफ डिवीजन, कि डिवाइड करने के लिए कौन सी साइन होती है। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन जो होता है उसे हम डिवीजन बोलते हैं। ये जो सिंबल होता है वो डिवीजन का सिंबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन बाय मेकिंग इक्वल ग्रुप्स। डिवाइड कैसे करें इक्वल ग्रुप्स को बना के। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट 6 फ्लावर्स इनटू 3 ग्रुप्स। चलो 6 फ्लावर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करो। फ्लावर्स इन ऑल कितने फ्लावर्स हैं, 6 फ्लावर्स हैं। कितने ग्रुप्स में चेंज करना है, 3 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स होंगे, 2 फ्लावर्स होंगे। तो वी से दैट 6 डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स इज 2। We write it as 6 divided by 3 is equals to 2. It is called division fact. ये हम division fact बोलते हैं इसे। Next topic है हमारा method of division, कि divide करने का क्या method होता है। To divide 56 by 7 और 56 by 7, ये दोनों एक ही है। 56 divided by 7 ये होता है vertically और ये होता है horizontally। तो कितना आएगा, सो वी राइट 56 डिवाइड 7 इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि 7 8 56 होता है। वी सर्च 7 इंटू हाउ मेनी इज इक्वल्स टू 56। 7 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 56। जस्ट ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में यही अंतर होता है। वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, कोटेंट इज इक्वल्स टू 8, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। 7 डिवाइडेड बाई 56, 8 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 8 56 होता है और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन और नंबर लाइन। नंबर लाइन पर डिवाइड कैसे करें। लेट अस डिवाइड 15 बाई 3, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 3। चलो इसे डिवाइड करो 15 डिवाइड बाई 3। सब्सट्रैक्शन इज होपिंग बैकवर्ड्स। सब्सट्रैक्शन जो था वो पीछे जाने वाला था। सो लेट अस होप फ्रॉम 15 स्किपिंग 3 इन ईच जंप। काउंट द नंबर ऑफ जंप्स वी हैव टेकन टू रीच 0। देखो 0 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, 15 से पीछे आएंगे। तो 15 को जैसे स्किप करना है 3 3 जंप, तो 1 2 3 स्किप करके फिर 1 आएंगे, फिर 1 2 3 स्किप करके 1 आएंगे, फिर 1 2 3 स्किप करके तीसरे पर आएंगे, फिर 1 2 3 स्किप करके चौथे पर, फिर ऐसे पाँचवें पर, 0 तक लेकर जाएंगे। तो यानी कि हमने 15 से स्टार्ट किया था और कितना जंप किया था, 3 3 छोड़ कर 5 बार जंप किया था, 3 3 छोड़ करके जंप किया था। तो उसका आंसर आया 5, यानी कि हमने 5 बार पूरा जंप किया। अगर हमें 18 को ऐसे ही डिवाइड करना होता, 18 को 3 से डिवाइड करना होता, तो हम सबसे पहले 18 से स्टार्ट करते और 1 2 3 ऐसे छोड़ छोड़ कर पीछे आते। जितने बार में हम 0 पर आएंगे उन सबको काउंट कर लेते और जितना आंसर आता उससे हम यहाँ लिख देते। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।